क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत मैं सुनील सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। अब एग्जांपल आपको 4.3 का अध्ययन करने के लिए जाना है, उस अभिक्रिया की कुल कोटि का गणना कीजिए। देखिए, कोटि का मतलब होता है कि जो घात होता है उसको जोड़ेंगे। अगर आपके घात का मान 1 आता है तो इसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, 2 आता है तो इसको हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, 0 आता है तो इसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अब जैसे आता है उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे। 1 आएगा तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया, 2 आएगा द्वितीय कोटि का अभिक्रिया, 0 आएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। आई तो ये प्रश्न आपका है, उन अभिक्रियाओं के कुल की कोटि की गणना कीजिए जिसका वेग का व्यंजक है। एक वेग आपका दिया है के, और ए के ऊपर 1/2 प्लस बी के ऊपर 3/2। तो देखिए, आपको पूरा कोटि निकालने के लिए आप जो ए के ऊपर 1/2 है उसको जोड़ेंगे प्लस बी के ऊपर 3/2 है उसको जोड़ेंगे। तो 2 और 2, देखिए इधर मैं बता देता हूँ, जब 1/2 प्लस 3/2 जोड़ेंगे तो इसका हर बराबर है तो 2, और 1 + 3 तो 4/2 क्या आ जाएगा, 2। 2 से 4 दो बार में कैंसिल, 2 आ गया। तो जब आपका 2 आ गया तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जोड़ने के बाद अगर 2 आएगा तो इसे हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, 1 आएगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। खैर, दूसरा में देखिए, वेग के है और 1 / 3/2 और बी के ऊपर -1 है। जरा यहीं पर मैं बता देता हूँ, 3/2 - 1 बराबर एलसीएम लेंगे 2, 3 - 2 घटेगा तो 1/2 आ गया। तो 1/2 आ गया तो इसको अर्ध कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। जब 1/2 आ गया तो इसे हम लोग अर्ध कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आप जरूर याद रखिएगा, जब भी आपके घात पूछता है तो जो वेग का घात, जब भी आपका कोटि पूछता है तो जो वेग में घात दिया गया होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो 1/2 + 3/2 जोड़ देंगे तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आ जाएगा। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ध्यान देते हैं, धन्यवाद।